जगाने से सूरज से न चंदा से नशम जगाने से सूरज से न चंदा से नशम जगाने से आलम 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 ये हुआ रोशन सरकार के आने से आलम ये हुआ रोशन सरकार के आने से घर बार रहता है तो तकदीर चमकती है घर बार महकता है तकदीर चमकती है के घर बार महकता है तकदीर चमकती है के घर बार महकता है सरकार 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 दो आलम की मिलाद मनाने से सरकार दो आलम की मिलाद मनाने से के इस्लाम के खातिर तुम करबार लुटा देना इस्लाम के खातिर तुम करबार लुटा देना के इस्लाम के खातिर तुम करबार लुटा देना के इस्लाम के खातिर तुम खातिर गिरबार लुटा देना ये दर्स मिला हमको पापा के घराने से ये दर्स मिला राजा करें कि मशहूर मकबूल मशहूर मकबूल के मशहूर धरे असर शहे वाला के नात सुनाने से धरे असर शहे वाला के नात सुनाने से सूरज से न चला जलाने से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अरे पूरा मजमा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह आवाज अपनी माइक तक पहुंचाइए बोलिए या रसूल अल्लाह दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब।
दावत रहमत में मुझे क्यों छुपाने का जवाब, दामन रहमत में मुझे क्यों छुपाने का जवाब, मिल नहीं सकता नबी के दुख छुपाने का जवाब, दामन रहमत में मुझे क्यों छुपाने का जवाब, मिल नहीं सकता नबी के दुख छुपाने का जवाब, सारे रजवी मिलकर एक रोगी जिला सस्ते नहीं, ढूंढते हो गौस का मुर्दा जिलाने का जवाब, ढूंढते हो गौस का मुर्दा जिलाने का जवाब। हजरत मोहतरम आयशा की शायरी सुनेंगे तो ये थोरिया वालों के पहचान नहीं है, यहाँ के लोगों के सुनने का ये मिजाज नहीं है, थोड़ा एक माहौल बनाए सुनने सुनाने का। अगर आप मुंह में कुछ नहीं लिए हैं उनका से पाक है तो बोला करें, वो उड़ीसा वाले ज्यादा पान खाते हैं, अगर उनके सामने ताजमहल रख दिया जाए तो थोड़े देर में वो लोग लाल किला भी बना देगा। अगर आप लोग पान गुटका से पाक है तो हाथ उठाकर बोलिए ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरत मोहतरम अभी अभी महीना खत्म हुआ है, 30 सेकंड की तकरीर हमसे सुने फिर कुछ देर तकरीर सुनने के लिए हजरत अल्लामा इदरीस से मुलाकात करें। हजरत मोहतरम ये बताइए, करबला में पानी कब बंद हुआ था, करबला में पानी कब बंद हुआ था, जलसे का मकसद कुछ होना चाहिए कि नहीं, जलसे ना आए तो कुछ सीखना चाहिए, करबला में पानी कब बंद हुआ था बताइएगा, 7 मुहर्रम बोले सात मुहर्रम का पानी बंद हुआ, हजरत सकीना अपने चचा जान अब्बास से कहती है मेरे चचा जान मेरी होंठ सूख रही है, अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो हजरत अब्बास कांधे पे मसीजा लेते हैं, हाथों में तलवार लेते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, नहरे फरात की तरफ चलने लगते हैं। यजीदी भेड़ियों को ऐसे काट काट कर रखता चला गया जिसे कोई किसान फसल को काट कर रख रख के अलग रखता चला जाता हो। अगर ये समझ चुके हैं तो अली के खानदान के वालों का पावर देखें और शेर मुलाहिज़ा करें, अगर हुसैनी बैठे हो और इस मिसरे पे अगर सबर नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि मिसरा शायरी समझने के लिए बैठे हैं, बस खा पी लिए हैं, फिर बैठने का हाथ खड़ा कर रहे हैं। अगर शायरी समझते हैं तो शेर सुन ले, सिद्दीक से पूछो सदाकत किसको कहते हैं, सिद्दीक से पूछो सदाकत किसको कहते हैं। साबिर भाई ये मुश्ताक मंजर साहब बुला, हजरत हमजे खारी गुलाम यासीन रफी साहब बुला, शेर से शेर, सिद्दीक से पूछो सदाकत किसको कहते हैं, उमर से पूछो हवालत किसको कहते हैं, सिद्दीक से पूछो सदाकत किसको कहते हैं, उमर से पूछो हवालत किसको कहते हैं, अली से पूछो शुजात किसको कहते हैं, इमाम हुसैन से पूछो शहादत किसको कहते हैं, अब्बास बता देते कयामत किसको कहते हैं। हजरत मोहतरम।